बुधवार की शाम मोमिनपुरा में उस समय प्रशासन का कहर टूट पड़ा जब ईद की खरीददारी के लिए लगातार यहां दुकानें खुली रहने की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गत कुछ दिनों से मोमिनपुरा से ये बातें सामने आ रही थी कि लॉकडाउन होने के बावजूद वहां सरेआम दुकानें खोली जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और मनपा के दस्ते ने वहां बुधवार की शाम छापा मारा। इस वक्त वहां उनके द्वारा 5 दुकानें सील की गई, ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने दी। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर भी उपस्थित थे। देखिए, जैसे कि महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है और धारा 144 लगी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी कि मोमिनपुरा और अन्य इलाकों में लोग 5 से ज़्यादा लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे थे और कुछ दुकानें जो नियमों के खिलाफ चालू रह रही थी। पुलिस के आने पर ही दुकानें बंद हो जा रही थी, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर ऐसा चालू हो जा रही थी, इस प्रकार की जानकारी मिल रही थी। तो उसी संदर्भ में आज NMC और पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की है। इनमें से कुछ 5 दुकानें हमने सील भी की हैं और कुछ अराउंड 20 दुकानों के माल जब्त किए गए हैं, जिन पे आगे जाके कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई कंटिन्यूसली जारी रहेगी। अभी मेरे जाने के बाद मैंने जो यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी डिप्लॉयड है, उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये कार्रवाई रात के 11 बजे तक चालू रहे और कल भी जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है ये कार्रवाई डेली शाम को 5 से 11 बजे तक चालू रहेगी। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि इसी बीच मोमिनपुरा परिसर से ऐसे वीडियोस सामने आ रहे थे जहां पे लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही थी। इसी को देखते हुए पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर इनके मार्गदर्शन में आज मोमिनपुरा इलाके में कार्रवाई की गई। जिस दौरान जब हमने इस कार्रवाई के बारे में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी से बात की, तब उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने 5 दुकानों को सील कर दिया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों की भीड़ ना हो, इस उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई। कैमरा पर्सन माइकल के साथ मैं दिशा अटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।